चाचा आज तक आप विधायक जी को देखे कि नहीं देखे? ना वो तो मैं नहीं करता है, देखो कौन विधायक जी अभी नहीं करते? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं इतना नहीं, एक मिट्टी के बराबर नहीं आता है। इसका भी उम्र काफी ज्यादा हो गया है, आप विधायक जी को कभी देखे कि नहीं देखे? ना कभी नहीं देखा, अरे भाई नहीं करता है। विधायक जी को देखे ही नहीं, वोटो मांगने नहीं आते। डिजिटल बिहार का एक ऐसा गांव हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ के लोग आज तक बिना बिजली की जिंदगी बिता रहे हैं। 2 साल से यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ फोटो खिंचवाने आए, सड़क की हालत बहुत खराब है, वहाँ फोटो खिंचवाएंगे और आईना दिखाएंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि को, तो भाई आप देखिए अपने फर्ज को जरा निभाइए। भैया देख के सफर कर लेते हैं कि आज नहीं तो कल तो लाइट आना ही है, मान कि पोल लग गया, तार नहीं है, घर में पंखा नहीं है, लेकिन बिजली के पोल को देख करके आप सब्र कर लेते हैं कि हाँ कहियो तो लाइन आई, हमार पंखा चली, हम पंखा में बैठे। इस वक्त हम लोग जो है शिवहर लोकसभा के चिरैया प्रखंड के माधोपुर पंचायत के माधोपुर गांव में, एक तरफ जहां पे तो सरकार बिहार को डिजिटल बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन डिजिटल बिहार का एक ऐसा गाँव हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ के लोग आज तक बिना बिजली की जिंदगी बिता रहे हैं। वर्तमान समय में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, सामने बिजली का पोल है लेकिन सरकार का तार नहीं है। सामने का जो घर आप देख रहे हैं, इधर कुछ मोहल्ला बसा हुआ है, इधर में लोगों का घर तो है लेकिन ना तो बिजली का खंभा है और ना ही बिजली का तार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में यहाँ के लोगों का जो जीवन है किस तरीके से बदतर हालात में जी रहे होंगे, इस पे हम चर्चा यहाँ के तमाम लोगों के साथ राणा रंजीत भैया से भी करेंगे। पहले गांव के लोगों से पूछते हैं कैसे जी लेते हैं भैया? देख के सफर कर लेते हैं कि आज नहीं तो कल तो लाइट आना ही है, मान कि पोल लग गया, तार नहीं है, घर में पंखा नहीं है, लेकिन बिजली के पोल को देख करके आप सब्र कर लेते हैं कि हाँ कहियो तो लाइन आई, हमार पंखा चली, हम पंखा में बैठे। गांव में विधायक जी आते हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं, ना विधायक जी आते हैं ना लाइन आता है। हम लोग बूढ़ा हो गए लेकिन कभी देखे भी नहीं है, विधायक जी को देखे ही नहीं है, आते नहीं है, दाढ़ी बाल पक गया लेकिन विधायक जी को भी नहीं देखे हुए अभी। हम दो बार विधायक हुए हैं लाल बाबू गुप्ता, अच्छा, लेकिन कभी भी इस एरिया में माधोपुर पंचायत में जो आना कभी भी नहीं आए, कभी नहीं आना। यहाँ के लोग उनको पहचान है कि ये हमारे विधायक है। कितना साल से बिजली गांव में नहीं आता है? 2 साल लाइन तो आता है लेकिन अपना अपना ये देख चलिए हम बताते हैं, ये पोल में 50 तार है, वही में से आता है बिजली की लाइन। लोग सरकार जो है पोल लगवा दिया लेकिन पोल पे सरकारी तार नहीं लगा, नहीं लगाया। अच्छा सामने वाला घर सब है उधर तो पोलो नहीं है ना तारो है? नहीं है। अच्छा बिना पंखा के जी लेते हैं? क्या करे क्या करे, हम तो जी लेते हैं लेकिन यूरिया खाद वाला बाप दादा चीची आता है, बाप दादा चिल्लाता है। हाँ। अच्छा चाचा आज तक आप विधायक जी को देखे कि नहीं देखे? ना वो तो मैं नहीं करता है, देखो कौन विधायक जी अभी नहीं करते, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं इतना नहीं, एक मिट्टी के बराबर नहीं आता है। अच्छा चाचा एक बात बताइए, आपका भी उम्र काफी ज्यादा हो गया है, आप विधायक जी को कभी देखे कि नहीं देखे? ना कभी नहीं देखा, अरे भाई नहीं करता है। विधायक जी को देखे ही नहीं, वोटो मांगने नहीं आते हैं, तो जीत कैसे जाते हैं? आदमी आता है उनका। नाम पर वोट दिले, नाम पर ये समस्या है। बाकी हमारे साथ रंजीत भैया है जो इन लोगों का समस्या सुनने के लिए आए हैं, जिस तरह गांव के लोगों अपना दर्द बता रहे हैं, इसे सुन करके किसी के भी आंख से आंसू छलक जाएगा। आप क्या कहेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में? इनके दर्द को ही समझने हम लोग अभी 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग दोपहर के समय आए, कि हम लोगों ने निर्णय लिया था कि भाई अगर आप किसी के लिए संघर्ष करते हैं तो उसके जूते में घुसना चाहिए, तो हम लोग उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और हम लोगों पे तो आरोप लगता ही है कि हम लोग फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने निर्णय ही लिया है कि जहाँ जहाँ जो समस्या है वहाँ आईना दिखाने का काम करेंगे, जो जिस 2 साल से यहाँ बिजली नहीं है यहाँ फोटो खिंचवाने आए, सड़क की हालत बहुत खराब है, वहाँ फोटो खिंचवाएंगे और आईना दिखाएंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि को, भाई आप देखिए अपने फर्ज को जरा निभाइए, अपने कर्तव्य जो आप लोग शपथ लेते हैं उस पे काम करें। जनता जो है वोट दे या ना दे, जब आप विधायक हो जाते हैं, आप सांसद हो जाते हैं, आप मुखिया हो जाते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है, दिया हो या नहीं दिया हो, लोग तो वही रहेंगे। आप पूरे क्षेत्र के विधायक होते हैं, क्षेत्र के मंत्री सांसद होते हैं, तो अपने फर्ज को निभाए, हम आईना दिखाने का काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप आए तो सड़क का तो समस्या है ही, साथ में लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो बिजली का है, आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे? देखिए आप लोगों के माध्यम से इसको जितनी दूर तक लेके जाएं, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग सबसे पहले लेके जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो और ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। जानकारी हम लोग पहले उनको देंगे, उनको बताएंगे और आपके मीडिया के माध्यम से इसको पूरा हाईलाइट करेंगे कि भाई 76 साल
आजादी के बाद भी कोई ऐसा गांव है जहां बिजली नहीं, जहां सड़क की स्थिति ये है, इसको हम लोग उजागर करेंगे। और प्रेम से अगर चीजें शांति पूर्वक होता है तो ठीक है, नहीं तो जब आंदोलन का रूप होगा तो मुझे लगता है कि 12,000 जो यहाँ इस गांव के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ संघर्ष करूंगा। पटना हो, यहाँ मोतिहारी जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, लोगों का साथ मुझे मिलेगा। यहाँ के सभी लोगों ने, गार्जियन ने, भाइयों ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं। शुरुआत हम लोग बिजली से करेंगे, सड़क से करेंगे, पहले इसको इस मुद्दे को पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे और उसके बाद इसका समाधान, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो छोटे मुद्दे, ऐसे कई मुद्दे हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के लोगों ने मुझे वादा किया है बिजली का तार जिस दिन लग जाएगा उस दिन हम लोग को भोज खिलाएंगे और आप लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सावन से पहले ही उस भोज को खा लेंगे, क्योंकि सावन में हम लोग फिर मुर्गा खा नहीं पाए, यानी कि कम से कम 2-3 महीना में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसको यही हम लोग लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर हम लोग उसको लग करके, मैंने मैं अच्छा, तो बढ़ा के बोल रहा हूँ, मेरा तो प्रयास है कि उससे भी जल्दी पहले ही हो जाए। अच्छा, ये बुजुर्ग चाचा लोग बता रहे हैं कि हम अब तक ना तो सांसद को देखे ना विधायक को देखे हैं, आगामी चुनाव भी बहुत जल्द आने वाला है, कुछ महीनों के बाद ही चुनाव है, बाकी आप इस पूरे क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कितना सुंदर चाचा ने हमारे उदाहरण दिया कि इस पंचायत का लगभग 12,000 जनसंख्या है, इसमें 8,000 मुस्लिम समाज से लोग हैं। तो ये जो नफरत की राजनीति करते हैं वो हर जगह यही कहते हैं कि जहां मुस्लिमों की आबादी हो जाएगी वहां हिंदुओं को दबाया जाएगा, गलत किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रहा है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है ये पंचायत कि भाई इतना प्रेम स्नेह है, एक जैसा कि किसी का भी शादी होता तो ये उतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो उससे ज़्यादा यहाँ के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो ये सुंदरता है और यही हमारा भारत है, यही हमारा बिहार है, तो इससे सीख लेना चाहिए। कितना सुंदर नाम भी माधोपुर जो है कृष्ण भगवान के नाम से है इस पंचायत का नाम, और यहाँ के लोग भी, इतना खूबसूरती और इतना बढ़िया तरीके से रहते हैं, एक आपस में सद्भावना है, अपने धर्म जाति का सबको लेकर के चलते हैं। तो एक उदाहरण है इस गाँव को जो है हम लोग और सुंदर बनाएंगे, बिजली सड़क हो जाए और जो सामाजिक जो इतना खूबसूरती है उस खूबसूरती जब बिजली और आ जाए, जब नौजवानों को रोजगार मिल जाए, कुछ काम शुरू हो जाए, बिजली आएगा तो छोटा मोटा फैक्ट्री होगा, आटा चक्की, इस तरह की कई चीजें शुरू हो जाएंगी, कोई प्लेट बनाता है, कोई ग्लास बनाता है, छोटे मोटे इंडस्ट्री खड़े हो जाए। तो सड़क और बिजली जो है और शिक्षा, ये तीन चीजें होती है, अगर वो तीन चीज अगर उपलब्ध करा दिया तो सरकार रोजगार दे ना दे लोग खुद ना खुद कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। बाकी देख सकते हैं जिस तरह से भैया बता रहे हैं कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा और समय से पहले हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आजादी के 76 साल के बाद बदलते बिहार का एक बिगड़ता हुआ तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। हम एक ऐसे गांव में जो कि शिवहर लोकसभा के चिरैया प्रखंड का ये माधोपुर गांव है, सामने बिजली का पोल तो है लेकिन सरकार का तार नहीं है, सभी लोग अपना अपना तार जोड़ के घर में लाते हैं और सामने का जो मोहल्ला है उसमें ना तो बिजली का खंभा है और ना ही बिजली का तार है। बाकी समझ सकते हैं कि भीषण गर्मी में जो है लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे। बाकी मुझे लगा कि लोगों की समस्या को आपके सामने तक रखना चाहिए था, उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करके बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं तक पहुंचाइए ताकि इस गांव का विकास हो और इस क्षेत्र के लोगों को राहत जरूर मिले। जय हिंद, जय बिहार।